न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों भाई मनिक जागलन की राम राम। फिलहाल मायल टोल प्लाजा के ऊपर हाँ इशार के चारों टोल आज उरे इकट्ठे कर रखे थे, एक पंचायत करी गई थी, उनमें अभिमन्यु कोहाड़ किसान नेता भी पहुंचे हैं, तो उनसे बात करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, आपने भी राम राम। हो गए सब ठीक ठाक, सब प्रभु की दया है। भाई साहब इब आगे की जो प्री प्लानिंग है 15 अगस्त का क्या करियर क्रम रहेगा आपका? देखो अभी संयुक्त किसान मोर्चा की कल मीटिंग है, तो राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके का आगे कोई कार्यक्रम देना है, क्या उसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा कल होगी विस्तार से मीटिंग में सिंगू बॉर्डर पर। ये 3 तारीख को मीटिंग है कल, यानी कल 3 तारीख होगी, उसमें फिर फैसला लिया जाओगा और पूरे देश लेवल का कार्यक्रम उसमें दिया जाओगा। उस समय तक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ साथी हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनी हुई हैं, उन्होंने अपने कुछ कार्यक्रम दिए हैं। तो जिस तरह पहले 26 जनवरी के ऊपर एक बवाल खड़ा हुआ था बहुत बड़ा, अपना पता है, इस तरह की कोई घटना तो इंदौर आई जाएगी अब की बार? नहीं देखो, वो तो बीजेपी आरएसएस वालों की प्लानिंग थी, जो 26 तारीख को जो हुआ, जो गलत किया गया, जिस तरीके से लाल किले पे वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही पहुँच गए, ये सब बीजेपी आरएसएस की प्लानिंग थी, बीजेपी आरएसएस के लोग थे। हमारे किसान भाई थे वो तो उस समय बड़े शांतिपूर्वक थे और आज भी हम शांतिपूर्वक हैं। तो कोई भी कार्यक्रम होगा वो इस तरह का कार्यक्रम दिया जाओगा कि शांति भी बनी रहे, अनुशासन भी रहे, एकजुटता भी रहे, तो सोच समझ के कार्यक्रम दे होंगे। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने लग रही है, किसानों का कल ट्रैक्टर भी इकट्ठे कर रखे थे, और दोनों पहले वाले कृषि मंत्री भी, वो वाले कृषि मंत्री भी कल बड़े लंबा भाषण भी दिया उन्होंने कि हमारे साथ किसान देखो कितने लंबे ट्रैक्टर है, ये हो उनके बारे में आप कहो। देखो ऐसा है, ये पहली बात तो ये बीजेपी आरएसएस वालों को तिरंगे झंडे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो कई सालों तक, कई दशकों तक अपने आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया। ये लोग तो जब तिरंगे झंडे के लिए लड़ाई चल रही थी 1947 से पहले, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय बीजेपी आरएसएस का कोई योगदान नहीं, ये लोग तो अंग्रेज़ों की चमचागिरी, अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, तो ये किस मुँह से तिरंगे झंडे की बात कर रहे हैं, ये हमारी बात समझ से परे है। तिरंगे झंडे का असली हकदार है वो किसान है, जवान है, नौजवान है। किसान अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरता है, जवान सरहदों पर तैनात है, देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है और तिरंगे झंडे में लिपट के आता है। जो ये अभी ये तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, कल से जो इनकी चालू हुई, हमें ये समझ में आ गया था कि इस तिरंगे यात्रा के माध्यम से बीजेपी वाले किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। इनकी प्लानिंग ये थी कि बीजेपी आरएसएस वाले तिरंगा झंडा आगे लेके चलेंगे और यदि किसान उसको रोकेंगे तो ये दुष्प्रचार करेंगे कि देखिए किसानों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। तो जो आंदोलन होते हैं वो दिमाग से लड़े जाते हैं, दम भी चाहिए होता है, दिमाग भी चाहिए होता है। तो जब हमारे सभी नेताओं को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी एक साजिश रच रही है तिरंगे की आड़ में, तो उनकी साजिश को फैल करना हम सबकी जिम्मेदारी थी। इसलिए हमने ये तय किया कि भाई ये कोई भी साथी आगामी 15 दिनों तक जो तिरंगा यात्रा करेगा तिरंगा झंडा लेके, उसका हमें विरोध नहीं करना है, क्योंकि तिरंगे का मान सम्मान, तिरंगे की मर्यादा, तिरंगे का स्वाभिमान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए ये फैसला लिया गया। तो जी अब आगे यूपी के अंदर भी चुनाव आ रहे हैं, मिशन यूपी में क्या रहेगा, किसानों का क्या योगदान होगा? देखिए मिशन यूपी जो अभी है वो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत रखी गई है किसानों की, जिसमें यूपी के तमाम गांवों से तो किसान होंगे ही होंगे, उसमें पंजाब के भी किसान भाग लेंगे, हरियाणा के भी लेंगे, पूरे देश भर के किसान उसमें जाएंगे। तो वहाँ से मिशन यूपी का ऐलान होगा और जो वो हमारा जो आंदोलन, जो एक ये मिशन यूपी किया जा रहा है, ये सिर्फ कोई चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये हमारा एक पूरा एक बड़े उस पर हम सोच रहे हैं कि यूपी और उत्तराखंड में हमारे आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और उसको भी कई गुना और आगे लेके जाया जाए। तो पहाड़ साहब लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे 15 अगस्त खतरे आम किसान जो घर बैठे? देखो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आप आज तक आपने अपना आंदोलन शांतिपूर्ण रखा, एकजुटता के साथ रखा, अनुशासन में रखा, इसीलिए बीजेपी की सारी साजिशें फैल हो गई, तो आगे भी हमारा जो भी कार्यक्रम हो वो हमने शांति, अनुशासन और एकता के साथ रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अभिमन्यु को आरजी मौजूद थे। भाई विचार कैसे लगे शेयर जरूर करियो, जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल ना सब्सक्राइब करके शेयर कर दियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।